देश में 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब जून से धीरे धीरे स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनलॉक किया जा रहा है। इसी के साथ प्रदेश में धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारियां भी चल रही है। पूरी सतर्कता सुरक्षा के साथ धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए कई समाज सेवी भी अपने काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में इंदौर खजराना के वरिष्ठ समाज सेवी शेख मोहम्मद शकील और उनके समाज सेवी बेटे इरशाद शेख लगातार धर्मस्थलों को सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सके। बता दें, नूर शुमार मेमन मस्जिद, हारून कॉलोनी, मलंग मस्जिद, मैजेस्टिक नगर और मध्य प्रदेश के शहंशाह ए मालवा, नूरुद्दीन नाहर शाहवली की दरगाह और दरगाह मस्जिद को भी सैनिटाइज किया गया है। इस काम में शेख मोहम्मद शकील और उनके बेटे के साथ उनके सहयोगी शानू चाचा शकील अहमद, सूफी इदरिश बाबा, शाहरुख खान और शेख उवेस शामिल हैं। वहीं इस अवसर पर हाजी अंसार पटेल भी दरगाह पहुंच गए और उन्होंने इस कार्य को करने में हाथ बटाया। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए समाज सेवी शकील साहब और उनके पुत्र इरशाद शेख की भी तारीफ की। शहर के ऐसे समाज सेवियों को आर्ट इंडिया न्यूज का सलाम। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से पिछले 3 माह से सारे इंदौर के और प्रदेश के धार्मिक स्थल बंद है, तो उसको आज सैनिटाइजर हमारे खजाने के समाज सेवी शकील भाई के बेटे इरशाद शेख और साहिल सानू चाचा ये दरगाह और मस्जिद परिसर को दोनों को सैनिटाइज किया और पूरे खजाने की धार्मिक स्थलों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम सब ने अभी दुआ भी की और हमारी कोशिश भी है, जैसे जिला प्रशासन चाह रहा है कि धार्मिक स्थल खुले तो हम पूरा उसका पालन कर रहे हैं। हर 8 दिन में सैनिटाइज हो रहा है। इरशाद भाई कर रहे हैं, साहिल चाचा, इदरीस बाबा और भी बहुत सारे लोग करते हैं इस काम में मदद। और हमारी इच्छा है कि यहाँ जल्दी से जल्दी इसको खोला जाए और ताकि लोग दुआ करें और कोरोना वायरस ख़त्म हो, ये दुआ से।